चलिए अभी हम लाइव हो गए, चेक कीजिए लाइव है, आवाज कैसा है बताइए। आवाज बहुत बढ़िया, कोयल जैसा है। अरे हाँ, पहले की अपेक्षा क्वालिटी में सुधार हुआ है, देखो तो है। चलो बढ़िया, तो अभी हम लाइव हो गए एसएससी जीडी बैच से। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड नाइट है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को शेयर मार दीजिए जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी शेयर मारिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। और अभी हम अपने नए चैनल पर हैं, चक्रव्यूह IQ, ये मेरा नया चैनल है, इसी पर काम चल रहा आजकल, पुराने वाला चैनल बहुत पुराना हो गया, इसलिए इसी पर चल रहा। शेयर कर दीजिए आप लोग, और पूरा 30 मिनट में डिस्काउंट अच्छा सा सीख लीजिएगा। इसका एक सेट कंप्लीट हो गया है, हम लोग डिस्काउंट का सेट चला गया, और डिस्काउंट के बाद इसी तरह से पूरा आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे SI, एक SEO पार्टनरशिप, सारा चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। डिस्काउंट का हो जाएगा सेट नंबर 2, सेट इसका एक हो गया है, अभी चलेगा सेट नंबर 2। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए, भैया सेट मिला है डिस्काउंट का सबको? सेट नहीं मिला है, आवाज कम कर दो। सेट नहीं मिला है डिस्काउंट का? मिल गया, उसमें कितना क्वेश्चन हो गया था? 10 क्वेश्चन हो गया था, जिसका वीडियो आप YouTube पर देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, है ना। जो भी नए स्टूडेंट चैनल पर आएंगे, आप देखिएगा तो डिस्काउंट का सेट नंबर 1 करके एक थंबनेल लगा होगा, उस पर आप जाकर देख सकते हैं ना? अभी सेट नंबर हम 2 डिस्कशन करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है आपसे, यदि बनेगा तो आप कॉमेंट में जवाब दे सकते हैं, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% छूट के साथ बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है कि क्या होगा, बोलिए कौन स्टूडेंट बनाए हैं इसको? नहीं बना, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया फिर भी नहीं बना। चलिए नहीं बना है आपसे, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे बने। एक खुदरा व्यापारी है एक थोक विक्रेता से, समझिएगा दो तरीका है इसको समझने का, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, एक ही तरीका अच्छा समझिए। एक खुदरा व्यापारी है ना, समझिएगा, 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, 40 पेन खरीदता है ना, देखिएगा 36 पेन का अंकित मूल्य, तो देखिए इसको दो तरीका से बना सकते। एक पेन का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 3600 रुपया है, फिक्स प्राइस 100 है, ठीक है, ऐसे कर 36 पेन के अंकित मूल्य, तो 36 पेन का अंकित मूल्य कितना हो गया? 3600 हो जाएगा ना, मतलब टोटल फिक्स प्राइस हम लिख के बता देते हैं, फिक्स शॉर्ट बता देंगे, 100 गुना 36 कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका? 3600 हो जाएगा, समझ गए। लेकिन कहेगा 40 पेन खरीदता है, वो पेन कितना लिया है? 40 को पेन उसको मिला है, दाम दिया 36 पेन का, लेकिन पेन के कितना मिला उसके पास? 40। इसको ऐसे भी बना सकते हो, शॉर्ट करके का बता, एक पेन का अंकित मूल्य हम FP रुपया मान लिए, तो 36 पेन का अंकित मूल्य होगा 36 गुना FP रुपया। एक पेन का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि CP रुपया, चाहे वही मान सकते हो आप, तो 40 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40 गुना CP, ये दोनों आपस में बराबर कर दो, 36 पेन का अंकित मूल्य और 40 पेन का कॉस्ट प्राइस आपस में बराबर कर दो। अब इसको हल करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 × 36, 4 × 40, दो राशि आपस में बराबर होता है, तो मेथड हम लोग का क्या है कि गुणांक को क्या करते हैं, 10 से रेशियो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये हो गया FP, ये हो गया क्या? CP। अब कह रहा है कि उसे 1% छूट पर बेचता है, इस पर 1% छूट पर बेचता है, तो 1% छूट पर बेचता है, इसका मतलब 10 का 99% पर लेगा ना, बोलिए
काट दीजिए इसको, कितना बनेगा 9.9, यहाँ सीपी हो गया कितना 9, अब 35% लाभ निकालना, 9 को नीचे का किया सीपी को, लाभ कितने हो गया 0.9, अब 100 से गुना करिए, हल्का करके देखिए तो कितना आया, 0.9 हटाइएगा तो 10 नीचे आएगा, इसे ही कट जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया बोलिए 10% का लाभ हो। चलिए नोट, नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया, नहीं समझ में आया, जितना पेन खरीदा अगर 36 पेन के अंकित मूल पर, तो एक पेन का अंकित मूल हम एफपी रुपये मान लें, तो 36 पेन का अंकित मूल होगा 36 गुना एफपी हुआ ना, और 40 पेन खरीदता है मतलब इसके बराबर में, मतलब इस मूल के बराबर में 40 पेन का सीपी होगा, एक पेन का कोस्ट प्राइस अगर सीपी रुपया है तो 40 पेन का कोस्ट प्राइस 40 गुना सीपी, दोनों आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, और नहीं तो हम ऐसे मान भी लेंगे, बनाएंगे दूसरा तरीका, एक पेन का कोस्ट प्राइस हम मान लेंगे कि 100 रुपया, ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे भी बना सकते, एक पेन का कोस्ट प्राइस यदि 100 रुपया तो 40 पेन का कोस्ट प्राइस कितना रुपया 400, 4000 कितना हो गया। अब देखिएगा, लेकिन एक पेन का यदि हम मान लेते हैं कि फिक्स प्राइस 100 रुपया तो 36 पेन का कितना, तो वो दिया जानते हैं कितना दुकान वाले को 3600 रुपया दिया, 1% छूट इस पर ले लीजिएगा, फिर अंतर निकाल कर हल करिएगा आ जाएगा उसका तरीका। दूसरा क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट को अच्छा से समझिए और इसको बाग बाग रिविजन कर दीजिए। किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपया है, कितना रुपया है 320 रुपया, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.80 रुपया अदा करता है, वह दो क्रमिक छूट देता है, एगो 10% का है और दूसरा किसी अन्य छूट पे प्राप्त करता है, दूसरा छूट क्या होगा, कौन सा छूट पूछा गया है, दूसरे तरह का छूट क्या होगा ये पूछ रहा। अच्छा समझिएगा, डिस्काउंट का क्वेश्चन 25 को क्वेश्चन मैथ में है बिहार एसएससी में, समझ गए ना, मैथ का वेटेज उसमें ज्यादा रहेगा, जिसका मैथ रीजनिंग ठीक है वो आराम से मार्क्स गिराएगा, और जेकर खाली जीके ठीक है उनको मैथ अभी पढ़ने में हालत खराब हो गया, अधिकांश कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, तो एसएससी का स्टूडेंट का ही प्लस पॉइंट मिल जाता है कि उनका मैथ रीजनिंग ठीक ठाक हो, समझ गए। देखिए मुद्रित मूल का मतलब जानते हैं क्या होता है, मुद्रित मूल का मतलब होता है एफपी, मतलब फिक्स प्राइस कितना है 320 रुपये, खुदरा व्यापारी इसके लिए अदा करता मतलब देता है कितना रुपया देता है 244.80 रुपये, इतना रुपया देता है, और दू गो उसको छूट मिलता है, दू गो क्या मिलता है छूट, एगो 10% और दूसरा कितना परसेंट पता नहीं है, वो बताना है। अच्छा बताइए, जो खरीदने गया होगा वो तो खरीदा होगा कितना में 244.80, और जो बेचा होगा वो कितना में बेचा होगा 80, इसका मतलब है कि जो सीपी है वो क्या है बोलिए एसपी, अब ओकर दाम तो 320 रुपया था, ओकर छूट मिला होगा तब ना उसका दाम इतना घट गया, देखिए 320 रुपया स्टार्टिंग में था, इस पर पहले 10% का छूट लिया, इसका मतलब इसका 90% बोलिए बोलिए है कि ना, ये ऑथेंटिक्स मेथड ये सब एकदम दिमाग में सेट हो जाता। अब कह रहा है कि एक और छूट दीजिए सब, तो मान लीजिए 1%, तो 1% छूट दीजिएगा तो इसका निकलेगा 100 माइनस कितना, जैसे उधर 10% छूट दिए तो 90% लिए ना, तो उसी तरह से 1% और छूट दीजिएगा तो 100 माइनस ये होगी, ये बदल के जानते हैं किस में एस पी, और उधर एस पी है 244.0 कितना, दोनों एस पी आपस में 0.0 हटाइएगा तो 100 नीचे आएगा ना, इसे ये कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 को काट दीजिए, इसको से इसके साथ कर दीजिए, 35 गुना 9 करिए, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 9 27 आगे का 2200
288 ही हुआ ना, आ 100 से गुना कर दीजिए फिर इसी में, 100 से गुना कितना हो गया, अब माइनस माइनस 288 एक्स कितना हो गया बोलिए, अब बराबर हो गया 24 से 48। इसको इधर लाइए तो घट जाएगा, इधर लाएगा प्लस में होगा, काट दीजिएगा आंसर आएगा एक्स का वैल्यू आएगा, वो आंसर होगा कितना परसेंट का है 15%। जब भी एक छूट पूछ देते ये मेथड लगाइएगा, बोलिए जी मिक्र है समझ में, वाह गजब। अच्छा बहुत तरीका है लेकिन आउच पाउच मेथड ना, ये कहीं मेथड रखिए आउच पाउच ज्यादा ट्रिक देखे के चक्कर में भाग दे देंगे, जो ट्रिकवा सीखा वो लग जाना चाहिए ना। वो कहे हम बताएं, जब ट्रिक कुछ सीखा है तो ट्रिक तो लग जाना चाहिए, जो यूट्यूब से सीखा है शॉर्ट में। जब एक और छूट देगा इसी पे तो क्या करेगा ना, कह देगा कि 10% छूट दिया, फिर कहेगा 20%, इसका हटा कर निकाल लेंगे 80%, अब फिर कहेगा तीसरा छूट बताइए तो निकलेगा 100 माइनस, आराम से निकल जाएगा। ये मेथड आगे बढ़ते रहेगा अब तुम अगर ट्रिक के बाद दो गो फॉलोअप हो जाएगा, वो सब यूट्यूब वाला बताता है, एगो दो गो शॉर्ट में रख गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, चलिए जवाब दे सकते हैं, बनेगा तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, जल्दी जवाब दिया जाए। ऑप्शन डी होगा सही है, बनाओ भी बनाओ, चलिए हम मनाते हैं, समय खत्म। देखिए लिखा है प्रश्न में, एक रेडियो निर्माता रेडियो के निर्माण से 23% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेवल लगाता है, कितना लेवल लगाता है, मतलब कि रेडियो पर लिखता है कि इसका दाम है 200 कितना, बोलिए इसका दाम है 286 रुपया, इसका दाम कितना है 286 रुपया, ठीक है भैया 30% अधिक वसूलना चाहता, इसका मतलब हुआ कि फिक्स प्राइस का वैल्यू होगा 100, है ना, 30% नहीं 30% अधिक वसूलना चाहता लागत से, तो सीपी लिख दीजिए 100, सीपी कितना 30% अधिक मतलब 100, समझ गए। अब देखिए क्या हो, इस रेशियो का हेल्प लीजिए और इस निश्चित राशि का हेल्प लीजिए, इसके मदद से पता करिएगा कि उसका लागत मूल कितना, ये तो 286 कीमत का लेवल लगाता है, स्टिकर मारता। अब देखिए ये 286 क्या है, फिक्स प्राइस है, रेशियो में फिक्स प्राइस 100 30, और 100 से गुना कर देंगे तो हम सीपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इससे काट दीजिए इसको 13 से काट के बताइए, 13 दुनी का 26 2 आया तो 13 दुनी 26 तो कितना हो गया 200, तो सीपी कितना निकल गया उसका, बोलिए सीपी आ गया 220। आप बेचते समय वह लेवल कीमत पर 10% का छूट देता है, कितने परसेंट का छूट देता है, तो देखिए अब एसपी इसका निकालते हैं 286 दाम लिखा था उस पर जो भी उसका वस्तु था, और 10% का छूट दिया तो इसका 90% लिया ना जी, ये चले इससे ही कट गया, गुना करिए 286 गुना 9, 9 6 54 की 4 5 हो गया ना, 9 8 9 8 64 72 72 5 अरे पागल है तुम बताओ ना, 9 6 54 की 4 5 9 8 72 5 कितना 72 5 79 77 पागल है, पता नहीं हो सकता
पचास सिंह जी नौदूनी का 18-7, 18-7, 25 बोलिए सही है। आए कितने अंक के बाद असम लोग, चलिए देखिए खरीद रहा है 220 में, अब बेच कितना बगा है, तो लाभ तो होगा ना। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कंसेप्ट है, सीपी को नीचे, सीपी को अच्छा पूछ का रहा है, अच्छा बस ठीक है, तो दोनों का अंतर जो आएगा ना वही लाभ हो गया, कितना 37.40 आ गया, 37.40 आ गया। आया समझ में, हाँ क्लिक के चक्कर में चल जाओगे, कॉन्सेप्ट ना सीखोगे तो क्लिक खाली यूट्यूब पर शॉर्ट्स में मिलेगा, चुन चुन के लाया जाता है लेकिन को फुसलाने के लिए, समझ गया, कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा गायब हो जाइएगा सीधे, हो गया। चले नेक्स्ट आ जाइए चौथा क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होता है, जबकि वह दो कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी, अभी सब शॉर्ट में मिलेगा अभी मिलेगा। यदि व्यक्ति द्वारा दो कमीज के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल बताइए, फिक्स प्राइस बताना है प्रत्येक कमीज का, है ना, प्रत्येक कमीज का क्या बताना है, फिक्स प्राइस बताना है क्या होगा। चलिए देखते कैसे, दो को कमीज खरीदता है, पहला कमीज पर कितना परसेंट छूट प्राप्त होता है, और जबकि दूसरे, जबकि वो दो कमीज खरीदेगा तो पहले पर 5% और दूसरे पे 8%। अब व्यक्ति द्वारा दो कमीज के लिए 925 रुपये भुगतान किया गया, इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति दो को कमीज खरीद रहा, व्यक्ति दो को कमीज खरीद रहा, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल क्या होगा, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल क्या होगा, भैया एक बार 5% छूट लिया, एक कितना परसेंट छूट लिया, 8% छूट, व्यक्ति दो कमीज के लिए 925 भुगतान किया, देखिए 5% यदि छूट वाला लेंगे तो फिक्स प्राइस 100 होगा ना जी, बोलिए डिस्काउंट 5 हुआ, बोलिए तो सेलिंग प्राइस 95 होगा ना। चलिए दूसरे कमीज का भी फिक्स प्राइस 100 लेंगे, 8% का डिस्काउंट देंगे तो 92 सेलिंग प्राइस होगा ना, और दोनों का सेलिंग प्राइस है कितना, मतलब खरीद रहा 900 कितना में, और यहाँ पर जोड़िए दोनों को, दोनों का ऐड कीजिए, 5, 2, 7, 9, 9, 18 हो गया, तो ईवी सेलिंग प्राइस, ईवी सेलिंग प्राइस भाग लगा दिए, अंकित मूल पूछेगा 100 से, हल करके देखिए आंसर आएगा 494 आंसर आएगा, समझे, बोलिए समझ गया, बहुत बढ़िया, सारा गेम तो समझने के लिए ही होगा। ओवर स्मार्ट बनोगे तो डूबने के सिवा कुछ नहीं है, गर्दन झुका के सीखने का कोशिश करो, हाँ तो यही कहे कि सुनता तो नहीं होगा, तू कोई ट्रिक सीख लिया तो ओवर स्मार्ट बनने लगता है, उस अभी यूट्यूब के शॉर्ट वर्क खोलोगे ना, एक से एक टीचर भरा है, वो सबको बनाना पड़ता, हम भी बनाते हैं, सब बच्चों को फुसलाने के लिए बनाया जाता है, नहीं फुसलाइएगा तो कैसे सब्सक्राइब कैसे करेगा, हम तो सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई बोलने में दिक्कत क्या है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, एक अभी सब क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट को फोकस कीजिए कि कैसे चल रहा है, सब ठीक के चक्कर मत रहिए,
एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 850 रुपया, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? क्या पूछ रहा? अंकित मूल्य पूछ रहा है ना, ध्यान दे। पहले 15% छूट दिया, अब फिर भी उसको कितना परसेंट का लाभ प्राप्त होता है? 10%। हमेशा ही क्वेश्चन फंसाएगा, 15% का छूट, 10% का लाभ, या 10% का हानि, कुछ भी कहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, छूट रहेगा, लाभ रहेगा, वैसे स्थिति में ज्यादातर क्वेश्चन में देखा गया कि क्रय मूल्य का वैल्यू दिया रहता है और फिक्स प्राइस पूछा गया, समझ गए। 15% का छूट का मतलब FFP बताओ कितना लिखोगे? 100 लिखिए। डिस्काउंट कितना? 15। सेलिंग प्राइस कितना बोलिए? लाभ कभी भी लिया जाता है तो CP पर लिया जाता है। किस पर लिया जाता है? कोस्ट प्राइस। क्लियर हो गया? अब 10% का लाभ हुआ था, 10% को लाभ को मन में रेशियो लिखिए। 10% का लाभ का मतलब CP 100, CP बोला जाएगा यहाँ पर, CP 100, लाभ 10, तो SP कितना? 110। अब देखो ये SP है, SP के भागा में SP से कर देंगे, और तुरंत इसको 100 से गुना कर देंगे, ये किसमें बदल जाएगा? CP, इससे ही कट जाएगा, अभी पूरा नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। कोस्ट प्राइस निश्चित राशि में कितना? 800। रेशियो में हो जाएगा 85 × 10/11। पूरा काट का समय नहीं बर्बाद करना, कैसे काट दीजिए? अंकित मूल पूछेगा, 100 से गुना करके आंसर आएगा। 85 गया एक भाग में, पक जाएगा कितना आया? 1100 आ गया। चले नोट कीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिए? चलिए बाद में भी नोट कर सकते हैं, है यूट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं क्या लिखा, बनेगा तो बना सकते हैं। राम ने 68 रुपये में एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत करवाया, 700 खर्चा भी किया, वो अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक के मूल पर अंकित करता है। उसने 10% और 1% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को बेच रहा है इतना में। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए कि क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पर पता करिए कि वो वस्तु खरीदा है 6800 में, खर्चा भी कर दिया 700 रुपये में, उसका टोटल खर्चा कितना लगा? टोटल लागत हम कह सकते हैं इसको, लागत या CP भी कह सकते हैं, कोस्ट प्राइस। 6800 तो खुद लगाया था, 700 बना ही में लग गया, टोटल कितना? 7500 हुआ ना, बन गया। अपनी वस्तु को कुल लागत से 8% अधिक अंकित करके रखता है, अंकित का मतलब फिक्स प्राइस। 7500 में तो खरीदा और सोचा कि 8% इसका दाम बढ़ा कर रख देते हैं, इसका सीधे 108% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कितना लिख रहा। 75 × 108 करके बताइए, 75 × 108 नहीं बता पाइएगा, जल्दी बताइए, 75 × 108 करके बताइए जल्दी से, नहीं तो फिर हमको करना पड़ेगा। 8100, चलिए तो 8100 आया, कितना आया? देखो खरीदा है कितना में, बोलो जल्दी से, आप दाम लिख कितना दिया? 8100 लिख दिया। अब कोई व्यक्ति आ रहा है कि भैया देखो 8100 दाम है, इस पर जो है हम आपको कुछ छूट दे के बेच भी देंगे, ठीक है, 10% और 1% का दूगो छूट देता है, तो छूट बताओ किस पर देगा? 8100 पर कि 7500 पे? 8100 पर देगा। हाँ पहले 10% छूट दिया, तीसरे 90% लेगा ना, अब फिर 1% का छूट दिया, तो 100 − 1% हो जाएगा इसका। अब तू छूट निकाल दिए तो ये SP में बदल गया, किसमें बदल गया? ये SP में निकल गया। अगर SP यहां पर आ गया, वहां SP कितना है? 61.9050। आपस में क्या कर दीजिएगा? ये बराबर हल करिएगा, 2 जीरो से इधर खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1 जीरो से ही चल जाएगा,
बोलिए इधर दशमलव हटा दीजिएगा तो सब आएगा ना, एक जगह से ही चल जाएगा, एक जगह से ही चल जाएगा। आ 81 गुना 9 9 आ 78 72 729 आ 2 0 माइनस 81 x इक्वल टू 61 96 5। इसको इधर लाके घटा दीजिए, 81 से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 700 वाला। हाँ ठीक है, 81 नहीं होगा, ये हो जाएगा। अच्छा ये कट जाएगा, हाँ 81 से उसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ सही है, इसको यदि गुना करोगे ना तो हो जाएगा 729x होगा ना जी, 729x हो जाएगा। अब उसको लाके इधर घटा दो, घटाने के बाद फिर 729 से काट दो, आंसर आएगा x का मान आ जाएगा। समझ में आया, यूट्यूब पर बताया जाता है इसका शॉर्ट तरीका, लेकिन वही क्वेश्चन लाया जाएगा तो तुम्हारे इस लड़कन को बेवकूफ बनाया जा सके। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस शॉर्टो वाले से तेज बना देगा, लेकिन बनाएगा तो आंसर सटीक ही रहेगा, और आप हमेशा शक में रहिएगा। समझ में आया, ठीक। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को लगता था, एक दो को संजोग से एग्जाम में भटका गया तो उसे रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, एक दुकानदार 15% की छूट देता है, कितना की? अब फिर 5% का लाभ हो लेता है, ये क्वेश्चन बता दिए थे ना। बोलिए पहले छूट फिर लाभ, बोलिए कितना नंबर क्वेश्चन था ये वाला, 15% का छूट फिर लाभ, मूल कितना दिया 800। यही क्वेश्चन यहाँ भी है, देखो 15% का छूट 5% का लाभ, मूल इतना अंकित मूल पूछेगा, सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा ना। चलिए 400 कितना 20 बन जाना चाहिए इसका। नेक्स्ट आ जाइए 1 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बता दिए, देखो 3 गो छूट वाला पूछ रहा था ना, आ गया ना, 6 का हमारे बुक में आ जाता है, पहले ही सेटिंग रहता है सब। हाँ एक वस्तु का अंकित मूल कितना है 250, देखो पहले 20% का छूट मिला तो 80% निकलेगा ना इसका, अब फिर 10% छूट मतलब कितना परसेंट, अब फिर 1% का छूट तो 100 माइनस 1% का छूट। समझ में आया, अब ये हो गया तुम्हारा SP, क्या निकल गया आपका SP निकल गया सेलिंग प्राइस, और यहाँ सेलिंग प्राइस 164 दशमलव कितना 164.70 164.70 आपस में क्या हो जाएगा बराबर, हल कर लीजिएगा ना, हल करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, वेंसर हो जाएगा, छूट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते, देखिए पूर्णांक में एक वस्तु का अंकित मूल 700 कितना है 50, इसमें 16% के छूट पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल इसके क्रय मूल का 3/2 गुने के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल ज्ञात कीजिए, अंकित मूल दिया 700 कितना, अंकित मूल 700 हो गया 50 एक्स प्राइस, चलिए 16% का छूट दिया, अच्छा बात है, कहा कि विक्रय मूल क्रय मूल का यहाँ से रेशियो लिख लीजिए SP और CP का, बताए थे ना रेशियो कैसे लिखा जाएगा, हाँ 3/2 के बगल में देखिए किसके साथ है, क्रय मूल के साथ है कि विक्रय मूल के साथ, तो CP के साथ, तो CP 2 है, SP कितना, तो CP और SP का रेशियो आ गया ना, बढ़िया। चलिए ये बताइए 750 क्या है, 16% छूट दिया, इसका मतलब इसका कितना परसेंट लेकर बेचेगा, कितना परसेंट, तो इसका 84% निकाल दीजिएगा, तो ये जानते क्या निकल गया, SP निकल गया, 5 से काटिए 15 भाग में, 5 से काटिए 2 भाग में, 2 से काटिए 15 × 42 करिए 900, 630, 630 क्या निकल गया, SP रेशियो में SP कितना है, SP के भागा अब क्या निकालना है, CP 2 से गुना करिए आंसर आ जाएगा 400,
बीस, क्या है 420। नेक्स्ट, यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 850 है, पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? आसान क्वेश्चन एकदम, देखिए कैसे निकलेगा। 850 अंकित मूल्य है ना, 20% छूट दिया मतलब इसका कितना परसेंट लेगा, अब 15% छूट देगा मतलब कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट, बस हो गया। एसपी ही पूछा था, आंसर आके हल कीजिएगा तो हल हो जाएगा ना। चलिए आज हम बात किए।